हेलो दोस्तों, एमबी आसाम चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत। जिसने मेरे वीडियो को देख रहा है, प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। आज मैं लेके आया हूँ इंडियन आर्मी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आओ वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत, डी अरब सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य के लिए अवधि क्या है? ऑप्शन ए 5 साल, बी 4 वर्ष, सी 2 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 6 साल। 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह, बी भगत सिंह, सी डॉक्टर हरदयाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन क नागेंद्र सिंह। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, बी 4 जुलाई, सी 10 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग 10 दिसंबर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए हीराकुद, ख भाखरा नांगल, ग दामोदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख भाखरा नांगल। नेक्स्ट, किस राज्य में शासी स्तूप स्थित है? क मध्य प्रदेश, ख उत्तर प्रदेश, ग बिहार, घ महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन क मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, इस वन 30 वन कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन क पूर्व शिक्षा, ख नियमित शिक्षा, ग गैर औपचारिक शिक्षा, घ जागृत नागरिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन के पूर्व शिक्षा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब की गई? ऑप्शन ए 1955, बी 1971, सी 1962, डी 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 1972। महानदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी पटना, ग उज्जैन, घ देहरादून। इसका सही आंसर है ऑप्शन क रायपुर। 10वां क्वेश्चन है, कौन पुस्तक आनंदमन लिखा गया था? ऑप्शन क बंकिम चंद्र चटर्जी, ख अबुल फजल, सी कालिदास, ऑप्शन घ भरत चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन क बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, मेघदूत के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन ख तुलसीदास, ऑप्शन ग कौटिल्य, ऑप्शन घ वेदव्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन क कालिदास। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन क बृहस्पति, ऑप्शन ख बुध, ऑप्शन ग विनाश, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन क बृहस्पति। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन क अध्यक्ष, ऑप्शन ख लोकसभा, ऑप्शन ग मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी? ऑप्शन क मलया,
ऑप्शन ख कलिंग, ऑप्शन ग कोसिन, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख कलिंग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? ऑप्शन क 563 इस पूर्व में, ऑप्शन ख 472, ऑप्शन ग 67। इसका सही आंसर है उत्तर क 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का पैदा हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और जिस जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।